और अब खबर बरेली से, जहां पर तैनात एक प्रशासनिक अधिकारी पिछले कई दिनों से चर्चा में है। वजह है उनका और उनके पति का झगड़ा। ये प्रशासनिक अधिकारी हैं एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति हैं आलोक मौर्य, जो कि सफाई कर्मी है। अब आलोक मौर्य का यह दावा है कि उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य की पढ़ाई में मदद की, जिसकी वजह से वो पीसीएस अधिकारी बन पाई। लेकिन अब वो अपने पति से तलाक चाहती हैं, जबकि पति आलोक वर्मा उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पंचायती राज विभाग में कर्मचारी हैं। 2010 में उनकी शादी वाराणसी की रहने वाली ज्योति मौर्य के साथ हुई थी। 2015 में उनके जुड़वा बच्चे भी हुए। आलोक का यह दावा है कि शादी के बाद भी उनकी पत्नी आगे पढ़ना चाहती थी तो वो प्रयागराज शिफ्ट हो गए। उनका यह दावा है कि उन्होंने पैसों की तंगी होने के बाद भी ज्योति की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने तीसरा रैंक पाया, बहुत खुशी का माहौल था सर। मेरे पूरे गांव में जश्न था और हम लोगों को गांव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों का एक बहू जो है एसडीएम बनी, उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। मुझे सर फ़ोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास को पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहां तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी राज अधिकारी जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर। आलोक मौर्य का पक्ष आपने सुन लिया। एसडीएम ज्योति मौर्य कह रही है कि पति आलोक मौर्य दहेज मांगते हैं, ये आरोप है उनका। ये भी उन्होंने कहा कि मानसिक तौर पर प्रताड़ित उन्हें किया जाता था, गाड़ी की डिमांड की जाती थी। ज्योति मौर्य का आरोप है कि 2016 में एसडीएम बनने के बाद आलोक मौर्य और उनके परिवार के लोगों ने उनसे पैसों की डिमांड करना शुरू कर दिया। उनका ये भी आरोप है कि आलोक उनसे 50 लाख रुपए और एक मकान देने की लगातार मांग कर रहे हैं, जिससे तंग आकर उन्होंने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी। साथ ही उन्होंने पति आलोक समेत ससुराल के 4 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज करवा दिया। आलोक ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं सभी झूठे हैं, बेबुनियाद हैं और वो दहेज उत्पीड़न का मामला झेल रहे हैं। तो पीसीएस अधिकारी बन चुकी ज्योति मौर्य के पति का यह भी कहना है कि अधिकारी बनने तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, उनकी पत्नी ने अपने पति और ससुर को अपनी सफलता का श्रेय भी दिया। पर आरोप यह है कि अधिकारी बनने के बाद ज्योति मौर्य ने पति और परिवार से मुंह मोड़ लिया, जबकि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य पर आरोप यह लगाया कि उन्होंने झूठ बोलकर शादी की। ज्योति मौर्य का आरोप है कि उनके पति ने शादी के पहले बताया था कि वो किसी बड़े पद पर है, जबकि वो एक सफाई कर्मचारी हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य का यह भी कहना है कि आलोक की सच्चाई का पता चलने के बाद वो उनसे तलाक लेना चाहती थी, लेकिन उसी दौरान किसी वजह से उन्होंने अपने कदम को पीछे खींच लिया। कि आलोक श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाह विच्छेद के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। और अब आपको एक ऑडियो क्लिप सुनवा देते हैं जो कि बड़ा वायरल हो रहा है। पुष्टि इसकी न्यूज 18 इंडिया नहीं करता है, लेकिन इस ऑडियो में दो आवाजें हैं, एक महिला की एक पुरुष की। दावा किया जा रहा है कि ज्योति और आलोक एक दूसरे से इसमें बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर तमाम तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। सुनिए, हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। ये बताओ तुम क्या बेशरम हो गया, आप इतने बेशरम हो गया कि ऐसी लड़की हम ये नहीं कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हो ना मरते दम तक आप कभी बैठ के सोचो ना, इसी नौकरी से जो पिए हो आज बने हो। बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बने, बैठ के आप सोचना क्या क्या इल्जाम आप लगाई हो। दहेज मांगने से दहेज कितना लेके आए थी तुम जानती हो, ठीक है? जो कभी बैठ के सोचना
का पैसा दिए थे सोचियो कि सवाल कितना बड़ा फैसला होता है। आज मेरे पापा गए, भैया गया।